हम लोग माइकोलॉजी पढ़ रहे हैं ना। अब माइकोलॉजी में आगे हम स्टडी करने वाले हैं क्या, पैथोलॉजी। पैथोलॉजी का मतलब होता है पादप रोग विज्ञान, ठीक है। तो पादप रोग विज्ञान में हमने कल कुछ कवकों के बारे में पढ़ लिया था, जैसे एस्परजिलस एंड पाइजाइजर, ठीक है। अब उसके बाद अपना नेक्स्ट है एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो या उसे कहते हैं सिस्टोपस, थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दिया था, अब उसको ब्रीफ डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। यानी कि एल्ब्यूगो जो है वो क्या करता है, श्वेत किट रोग उत्पन्न कर देता है, सफ़ेद रोली रोग जिसे कहते हैं ना, सरसों के अंदर, ब्रैसिकेसी फैमिली के अंदर। इसमें ज़्यादातर सरसों के पौधे, गोभी के और मूली के पौधे जो है वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, श्वेत किट। तो श्वेत कुट रोग जो है उसका रोग कारण, ठीक है। सबसे पहले जब भी कोई रोग पढ़ा जाता है तो उसे पढ़ने के कुछ तरीके ये हैं कि सबसे पहले तो हम देखते हैं होस्ट प्लांट, परपोषी पादप। ठीक है, होस्ट प्लांट कौन सा है इसका। तो एल्ब्यूगो जो रोग कारक है वो किसमें रोग उत्पन्न करता है, ब्रैसिकेसी या क्रूसीफाइड, ब्रैसिकेसी कुल, ठीक है ना, क्रूसीफर उसको पुराना नाम हो गया उसका, ठीक है, क्रूसीफर, ठीक है, जैसे मूली सरसों गोभी आदि में। उसके बाद अगला आता है, अगला देखते हैं भौगोलिक वितरण, यानी ये कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। तो पादप रोग सामान्यतया जहाँ सरसों वगैरह के, गोभी वगैरह के पौधे होंगे वहीं पर होगा, ठीक है ना। यानी कि आद्र, मतलब बहुत ज़्यादा मौसम आद्र भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा शुष्क भी नहीं होना चाहिए, सब ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय है ना। लेकिन होता कैसा है, विश्वव्यापी, जो सरसों विश्वव्यापी है ना, गोभी वगैरह मूली वगैरह तो कहीं भी उग जाती है, तो ये रोग भी हो जाएगा, विश्वव्यापी है। उसके बाद अगला हम देखते हैं लक्षण, यानी पौधे के अंदर कैसे लक्षण उत्पन्न होंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यह है, श्वेत तो सफेद हो गया, किट, किट का मतलब होता है पोस्ट्यूल्स, ठीक है। पोस्ट्यूल्स का मतलब है कि ज्यादातर वायवीय भागों पर, पौधे के वायवीय भाग, पादप के वायवीय भागों, वायवीय भाग कौन से होते हैं, जो वायु के कांटेक्ट में, यानी कि वायु के संपर्क में रहेंगे, जमीन से ऊपर, जैसे तना है, पत्ती है, फूल है, फल है ना। तो पादप के वायवीय भागों में रोग उत्पन्न होता है और रोग के रूप में फफोले जैसे पहले धारियां बनेंगी, ठीक। और सबसे ज्यादा रोग कैसा है, संक्रमित कर देता है, एक पौधे से दूसरे पौधे में होगा, कई बार कुछ स्थितियों में लोकलाइज्ड भी होता है। लोकलाइज्ड का मतलब होता है स्थानीयकृत, जिस पत्ती में है पत्ती ही पत्ती में फैलता रहेगा, ठीक है। डिपेंड करता है पोस्ट्यूल्स जब फट जाते हैं, जब किट के जो धारियां है स्ट्रिप्स जैसी संरचना बनी वो फटेगी, तो उसमें से जो द्रव निकलेगा वो अगर दूसरे के कांटेक्ट में आया तो रोग उत्पन्न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक। उसके बाद रोग जब स्थानीयकृत होता है तो ज्यादातर कैसा होगा, पत्ती की निचली सतह पर, क्यों, निचली सतह पर ही क्यों, क्योंकि निचली सतह पर स्टोमेटा यानी रंध्र ज्यादा होते, पत्ती की निचली सतह पर अतिवृद्धि करने लग जाएगा, ठीक। और अतिवृद्धि होगी और सफेद रंग की पोस्ट्यूल, श्वेत श्वेत स्थिति में अतिवृद्धियां हो जाएगी, मतलब ज्यादा से ज्यादा कोशिकाओं का निर्माण होगा, जो थोड़ा चमकीली भी होगी, अलग ही दिखाई देने लग जाएगी। और सफेद रंग की क्या दिखाई देते हैं, स्पॉट, स्पॉट का मतलब होता है पोस्ट्यूल्स के इंग्लिश में, या उसे कहते हैं हम फफोले जैसे, ठीक है, धब्बे धब्बे होंगे जो उभरे हुए होंगे, ठीक। उसके बाद आता है कि तीव्र संक्रमण की परिस्थिति में क्या होगा, कई बार पत्तियों की ऊपरी सतह और तने पर और पौधे के अन्य वायवीय भागों पर भी लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अतिवृद्धि को हम क्या कहते हैं, हाइपरट्रॉफी। देखो भाई, वृद्धि दो प्रकार से करते हैं कवक, अतिवृद्धि मतलब हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लाजिया, ठीक है। जब कोशिका विभाजन हो तो हाइपरप्लाजिया,
हाइपरट्रॉफी यानी कि कोशिका जो है वो इलोंगेट होगी, यानी कि अपने आकार में वृद्धि करेगी, संख्या से ज्यादा उसके आकार में वृद्धि होगी। विरूपण होगा, मांसलता आएगी, यानी कि बड़ी बड़ी संरचनाएं बनेंगी। और पुष्प जो है वो क्या रह जाते हैं, बंद रह जाते हैं। ठीक, पुष्प जब बंद रह जाएंगे तो फिर फल कैसे निर्मित होगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, और इसके अलावा क्या होता है, प्रचुरोद भवन, विवर्णन, विवर्णन मतलब पत्ती का कलर जो है डिसकलरेशन हो जाएगा और बड जो है वो बड़ी बड़ी विरूपता आ जाएगी उसमें। ठीक है, और इसके अलावा कई बार तने पर गोल भी बन जाती है, पुष्प बंधे बनेंगे और पत्ती जो है वो विवर्णित हो जाएगी। विवर्णित मतलब जिसका वर्ण, वर्णक, वर्णक मतलब पिगमेंट है ना, कलर जो है वो डिस्कलरेशन हो जाएगा। और इसके अलावा कलिका, कलिकाओं में प्रचुरोद भवन हो जाएगा यानी अतिवृद्धि। ये सब होगा। ठीक है, और ये हो गए पौधे के श्वेत कीट के द्वारा उत्पन्न रोग। उसके बाद अगला आता है हेतु, इटियोलॉजी। इटियोलॉजी का मतलब होता है कि कैसे कोई रोग उत्पन्न होगा, कहाँ से वो संक्रमण करेगा, कौन सी अवस्था में पौधे की में अटैक करेगा, किस तरीके से उसका आगे जीवन चक्र चलेगा, यानी अलैंगिक जनन करेगा या लैंगिक जनन करेगा, वो सब पढ़ेंगे। तो उसे कहते हैं हेतु विज्ञान या इटियोलॉजी। इटियोलॉजी में सबसे पहले आता है कि रोग कारक कौन है, ये भी पता होना चाहिए, है ना। नहीं पता है तो क्या, यहाँ लिख दो अलग से रोग कारक। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो रोग का नाम लिखा हमने। ठीक है, रोग कौन सा है, श्वेत कीट रोग। और श्वेत कीट रोग किसके अंदर होगा, बोल तो दिया था पर लिखा नहीं ना, तो लिखना भी जरूरी है, बिना लिखे थोड़ी ना नंबर मिलेगा। एल्ब्यूमिन, या एल्ब्यू का ही दूसरा नाम क्या होता है, सिस्टोकस। ये ठीक है, अब आता है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी या हेतु विज्ञान का मतलब ये है कि रोग जनक जो है वो कौन है, एल्ब्यूगो है या रोग कारक है। तो श्वेत कीट रोग का जो एल्ब्यूगो है उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन से वर्ग का है, तो फाइकोमाइसिटीज का सदस्य है ना। तो सबसे पहली बात है एल्ब्यूगो का जो फैमिली है, तो पहले हम पूरा एल्ब्यूगो के बारे में इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल वर्गीकरण वैसे तो बता दिया था लेकिन ठीक है, एक बार छोटा सा इसका और वर्णन होना जरूरी है। वर्ग जो है वो क्या है, फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज की सीधी सी कहानी ये होती है, पटहीन होता है, पटहीन कवक तंतु या कवक जाल, पटहीन होगा। जहां पटहीन होगा वहां संकोची अवस्था अपने आप आ जाती है, यानी सभी केंद्रक एक ही उसमें जाल में से फैले हुए मिलेंगे आपको ये। अब आप उसे द्विगुणित त्रिगुणित तो कह नहीं सकते, केंद्रक जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहेगा, गुणसूत्रों की संख्या जैसी है वैसी है, लेकिन कोशिकाओं के बीच में स्पष्ट रूप से पट नहीं पाए जाएंगे, तो पटहीन अवस्था में माइसीलियम जो होता है कवक जाल वो संकोचीय हो जाता है। ठीक है, और मुख्य रूप से जो रोग उत्पन्न करता है ब्रेसिकेसी में वो करता है एल्ब्यूगो की जाति है, एल्ब्यूगो कैंडिडा। ठीक है, और भी जातियां हैं, लगभग 17 प्रकार की जातियां तो भारत में ही पाई जाती हैं, लेकिन एल्ब्यूगो कैंडिडा ही मुख्य रूप से आक्रमणकारी होता है। ठीक है, दूसरी चीज, पौधों में रोग जो उत्पन्न करेगा वो कहाँ पर करेगा, तो उत्पन्न करेगा अंतरकोशीय अवकाशों में। अंतरकोशीय अवकाश कहाँ होंगे, यानी कि देखो आपको बताया था कवक जब इन्फेक्शन करता है तो उसके दो तरीके, पहला ये कि मान लो ये कोशिका सॉरी कॉर्टेक्स की कंडीशन शो करता है ना, यानी कि जैसे ये पौधे की कोशिकाएं हैं,
ठीक है, तो ये ज्यादातर पत्ती के अंदर तो मीजोफिल है ना, पैरेन्काइमा होगा, तो मीजोफिल ऊतक है उसमें पैरेन्काइमा की कोशिकाएं बनी हुई होती है। तो कोशिकाओं में एक तरीका तो ये है कि कवक जाल जो है वो अंदर कोशिकाओं को भेदते हुए आगे बढ़े, लेकिन जिसमें भेदने की क्षमता नहीं होती वो क्या करेगा, इधर फैलेगा कोशिका के बीच वाले जो रिक्त स्थान है इनमें, ऐसे ये इधर बढ़ गया कहीं भी, ठीक है। तो जब बीच में बढ़ेगा तो उसे क्या बोलेंगे, अंतर कोशिकीय अवकाश, ठीक है, कोशिका के अवकाशों में फैलता है, कोशिका को डायरेक्टली पेनेट्रेट नहीं करता, यानी कि सीधे भेदन नहीं करेगा। अब जब कोशिका में भेदन नहीं करेगा उसके बाद क्या होगा इसके अंदर, भाई कवक तंतु किसी तरीके से तो टिकेगा, यानी कि भोज्य पदार्थ कोशिका के अंदर से तो गुजर नहीं रहे, और भोज्य पदार्थ तो कोशिका के अंदर ही मिलेगा ना, स्टार्च वगैरह जो भी जमा होगी वो सेल के अंदर ही तो डिपॉजिट होगी, तो इसलिए एक हुक जैसी स्ट्रक्चर बनाता है इसे हुक, ठीक है, हॉस्टोरिया या चूसकांग बनाएगा, ठीक, और उन चूसकांगों के द्वारा ही ये भोजन ग्रहण करेगा। वो कैसे होते हैं हॉस्टोरिया, इसके नोब लाइक, ठीक, नोब लाइक मतलब इसकी स्ट्रक्चर मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ, ठीक है, ये इस तरीके से खूंटी जैसी बनाएगा, ठीक, इसकी स्ट्रक्चर हॉस्टोरिया की। ये कवर हो रहा है ना ये एरिया या नहीं हो रहा है, ठीक ठीक ठीक। तो अब इसकी बात करें हम, तो इसकी स्थिति ऐसे होगी, ये वाला अगर यहाँ से साइड से बनाए हम, है ना, ये हो गया माइसिलियम प्रॉपर, और ये माइसिलियम के ऊपर इसकी स्थिति ये हो जाएगी, ये तो हो गया क्या कवक तंतु, और कवक तंतु के ऊपर यहां जो बन के आया वो क्या है, कवक का चूषकांग, ठीक। अब उसकी संरचना में क्या क्या होगा, स्टॉक होता है, नेक होता है, कॉलर होती है, वैसे तो ये बता दिया है आपको, ठीक है, लेकिन अब यहाँ इसमें खास बात यह है कि इसके ऊपर एक लेयर और होगी इस तरीके से, ठीक है, और लेयर के साथ साथ इसमें क्या होगा, लिक्विड होगा, जो तरल पदार्थ होता है उसी को मैट्रिक्स कहते हैं। देखो भाई याद रखना, मैट्रिक्स आपने सुना होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी मैट्रिक्स होता है, ठीक है, फिर आप क्लोरोप्लास्ट पढ़ते हो वहां भी मैट्रिक्स होता है, तो स्ट्रोमा भी होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा वो जगह है जो खाली स्थान है उसमें इंटरनल, लेकिन मैट्रिक्स उसमें जो लिक्विड है वो है, ठीक। ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जाए तो आंतरिक झिल्ली के अंदर का जो स्थान है उसमें जो लिक्विड भरा हुआ उसे मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, मैट्रिक्स होगा, जहां से ये शुरू हुआ है ना, ये यहाँ से ऐसे शुरू हुआ, ये स्थिति बनेगी इसकी ऐसे, ये थोड़ा शार्प होता है एकदम ऐसे, तो जहां पर ये बना इसे बोलेंगे कॉलर, ठीक, और कॉलर के बाद ये हो गया इसका नेक। अब यहाँ गर्दन तो एकदम से नहीं कहोगे आप, है ना, उसका नेक या स्टॉक या व्रंथ होता है, इंग्लिश में स्टॉक कह देते हैं, नेक हो गया। नेक के बाद फिर उसके बाद ऊपर क्या हो गया, एक्स्ट्रा हॉस्टोरियल बाह्य और आंतरिक, और फिर उसके बाद उसके अंदर मीडियम होगा। देखो भाई ये तो हो गई इसकी क्या, बाह्य परत या बाह्य चूषकांग झिल्ली, और ये हो गया हॉस्टोरियम की काय, काय मतलब होता है बॉडी, ठीक है, या कहेंगे चूषक काय, चूषकांग काय, काय, ठीक है, इसमें यहाँ ऐसे संरचना होगी और इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ होगा, ठीक है, और उसे क्या बोलेंगे हम, इसे बोलेंगे मैट्रिक्स, या मैट्रिक्स को हिंदी में कहते हैं आधात्री, ठीक है। फिर इसके बाहर की तरफ यहाँ क्या होगा, यहाँ ये जो कोशिका है वो होस्ट की यानी परपोषी की कोशिका है, ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरी चूषकांग की संरचना बन गई, ठीक। इस तरीके के बहुत सारे चूषकांग होंगे और वो पोषण लगातार ग्रहण करते रहेंगे, ठीक है, जब पोषण ग्रहण कर लेंगे, खाएगा पिएगा तो क्या होगा, वृद्धि करेगा। वृद्धि करने के बाद देखो भाई एल्ब्यूगो में दो तरीके से जनन होता है, अलैंगिक
और लैंगिक, ठीक है। लैंगिक और अलैंगिक में क्या है? अलैंगिक जनन कोनिडिया के द्वारा होता है। कोनिडिया समझ आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर से सुन लो। कोनिडिया फलन का है, यानी कि कवकों का विशेष लक्षण होता है कि उनके अंदर कवक जाल जो है वो कवक सूत्र से मिलके बना होता है। तो एक टाइम पर कवक सूत्र एक स्पष्ट मुग्धर के आकार की, ऐसे है ना, मुग्धर होता है जैसे, उसके आकार की एक संरचना बनाता है और फिर वो ऊपर जाकर के एस्परजिलस में, जैसे आपको बताई थी, मान लो ये कवक जाल है, इसकी कोई कोशिका जो है वो ऐसे वृद्धि कर गई और वृद्धि करते करते उसने ये संरचना बना ली। अब बनाने के बाद वो क्या करेगी, कई बार कुछ में तो ऐसे और बोतल जैसी संरचना बनती है, अंगुली जैसे उभार बनते हैं, तो उसे प्रांगुल कहते हैं। अगर ये नहीं भी बन रहा है तो डायरेक्ट इसके ऊपर ये तो माना जाएगा कोनिडियम धर, ठीक है। तो कोनिडियम धर कौन होगा, जो कोनिडिया को धारण करेगा। उसके ऊपर यहाँ से फिर क्या होता है, ये केंद्रक आगे विभाजित होकर के एक ऐसी कोशिकाएं बना देगा समसूत्री विभाजन के द्वारा, बहुत सारी, उन्हें कहेंगे हम कोनिडिया। कोनिडिया के अंदर ये जो केंद्रक है वो फिर आगे वृद्धि करेगा, यानी कि केंद्रक जो है वो विभाजन करके, अब वो डिपेंड करता है कि कौन सी स्पीशीज है, ठीक है, कौन सी जाति है। कुछ कवकों में अगर ये द्विगुणित है तो सूत्री विभाजन करेगा, और अगुणित है तो फिर समसूत्री विभाजन करेगा, ठीक है। और कोनिडिया के अंदर फिर लगातार, देखो भाई ज्यादातर यहाँ समसूत्री विभाजन होगा क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन तो लैंगिक जनन का प्रकार है ना, उसका मेन वो है गुण। तो अब इसके अंदर कुछ स्पोर्स बनते हैं, यहाँ से फट जाती है, अलग अलग कोनिडिया के अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं। जनरली क्या करेगा, यहाँ समसूत्री विभाजन करेगा और यहाँ से निकले हुए जो केंद्र के चारों ओर भित्ति बन जाएगी और ये जो बीजाणु बने वो फट करके बाहर निकलेंगे। इन बीजाणु को क्या कहते हैं, कोनिडिया बीजाणु या कोनिडियोस्पोर्स, ठीक। अब वो कोनिडियोस्पोर्स जहां जहां गिरेंगे वहीं वहीं से नया नया माइसीलियम बना देंगे। तो ये हो गया अलैंगिक जनन कोनिडिया के द्वारा। फिर आता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में आपने पढ़ा होगा कई प्रकार है ना, हर प्रकार से कवकों के अंदर लैंगिक जनन की 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, केंद्रक विभाजित होगा, और केंद्रक विभाजन से भी पहले कोई चीज जो समझनी है, लैंगिक जनन का पहली बात है कि 2 विशेष संरचनाएं बनती है कवक तंतु के द्वारा, ठीक है। 2 संरचनाएं बनेंगी, अब वो नर संरचना और मादा संरचना होती है। नर संरचना को पुंधानी कहते हैं, ठीक है, और मादा संरचना के नाम एस्कोगोनियम वगैरह उनके प्रकार के आधार पर होते हैं। जैसे इसके अंदर जो संरचना है वो गोल होती है, थोड़ा बड़ी होती है, तो गोल बड़ी और कहीं उसे जाना है नहीं, मोमेंट वाली कंडीशन में नहीं है, तो उसे अंडधानी कहते हैं, ठीक है। जैसे कल परसों बड़ी थी ना अपन ने एस्परजिलस के अंदर, तो क्या थी, एस्परजिलस के अंदर आर्किकार्प थी, है ना। यहाँ क्या है, अंडधानी के नाम से स्त्री जननांग को शो करेंगे हम लोग। तो इसके अंदर फिर इसकी विशेष संरचना बन गई, इसकी भी बन गई, इसके अंदर फिर क्या होगा, अब यहाँ जो केंद्रक है वो विभाजित होगा। फिर क्या होता है, कई बार पुंधानी के अंदर बहुत सारे केंद्रक बनेंगे, फिर इसमें गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट यानी कि युग्मक धानी का संलयन हो जाएगा। संलयन होने पर क्या होगा, जब दोनों डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आती हैं धानियां, अभी बताऊंगी डिटेल में, तो उनके बीच में कई बार क्या होता है, एक नली बन जाती है ऐसे, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, युग्मन नली या निषेचन नलिका। और निषेचन नलिका बनने के बाद ये तो क्या है, नर है, और ये क्या है, मादा संरचना है, तो इसके केंद्रक जो है यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे और इसके जो पहले केंद्रक थे उनके साथ, ऐसे बता देते हैं, ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो जाए, इसके केंद्रकों के साथ यहाँ वाले केंद्रक जो इधर आए वो संयुज्य हो जाएंगे, इनके जुड़ जाएंगे, युग्मन कर लेंगे। तो नर और मादा युग्मकों का जुड़ना ही क्या बोला जाता है, निषेचन, है ना, फर्टिलाइजेशन। अब ये द्विगुणित हो गया, द्विगुणित होने के बाद अब यहाँ स्थिति ये बनती है कि अर्धसूत्री विभाजन करेगा या नहीं करेगा। कुछ जातियां कवकों की ऐसी होती है जिनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो जो स्पोर्ट्स बनेंगे, अब वो लैंगिक जनन, अर्धसूत्री विभाजन आ गया तो लैंगिक जनन है, वैसे भी इसमें नर और मादा संरचनाएं भिन्न है, उन्होंने युग्मक भिन्न बनाए हैं, ठीक है। दूसरी चीज क्या होगा, कई बार डायरेक्टली ये 2N कंडीशन में बिना अर्धसूत्री विभाजन के ये क्या करती है, आगे वृद्धि कर जाएंगी, फिर बाद में जाके उसमें कहीं ना कहीं पूरे जीवन काल में एक बार अर्धसूत्री विभाजन है,
तो उसे लैंगिक जनन माना जाएगा। ठीक है, तो पुंधानी और अंडधानी की संरचनाओं में होता क्या है? पुंधानी और अंडधानी में एक दूसरे के संपर्क में आकर के, पुंधानी तो क्या होती है, मुग्धर के आकार की होती है, और अंडधानी जो होती है वो गोलाकार होती है। ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर बना देती हूँ यहाँ। ठीक है, ये लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, क्योंकि जनन ही सबसे ज्यादा टिपिकल पड़ता है पढ़ने और समझने में, और कुछ नहीं है इसमें। किसमें पढ़ रहे हैं हम? एल्वियो। तो इसमें जनन की बात की जाए तो जनन में दो तरीके हैं उसके, है ना, अलैंगिक जनन और अलैंगिक जनन हमेशा किसके द्वारा होता है? कोनिडिया द्वारा। कोनिडिया के अंदर क्या बनेंगे? कोनिडियो बीजाणु, और कोनिडियो बीजाणुओं की संख्या मुख्य रूप से 8 से 12 के करीब होती है। ठीक है, 5 से 8 केंद्रकों में, सॉरी कितने, 5 से 8 केंद्रकों वाली संरचनाएं होती हैं जो कोनिडिया के अंदर फैली हुई रहती है। ठीक है, क्योंकि कोनिडिया खुद 12 से 18 म्यू, म्यू मतलब समझते हो ना, जैसे माइक्रोन वगैरह है, नैनोमीटर होता है, वैसे म्यू एम मतलब माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर की वैल्यू कितनी होती है? 10^-6 meters, है ना, 10^-6। देखो भाई एक बार बता देते, म्यू एम मतलब माइक्रोमीटर, यानी 10^-6। इसको आगे लिखोगे तो क्या हो जाएगा? 1/1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये क्या है, इतना मीटर होती है। जैसे एक एंगस्ट्रॉम आप लोग पढ़ के आए होंगे फर्स्ट ईयर में, हो ना, तो एंगस्ट्रॉम में 10^-10 होती है। इसका मतलब होता है 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 टोटल। ठीक है, इतना मीटर होता है, तो उस तरीके से वैल्यूज होती है। तो ये इसका क्या है, साइज है। उसके बाद इसमें क्या होगा, डायरेक्टली 5 से 8 संख्या, है ना, 5 से 8 संख्या केंद्रक वाले कोनिडियो स्पोर्स में बन जाते हैं, जब गिरेंगे तो नया बना देंगे। ठीक है, और जो कोनिडिया होती है वो सफ़ेद और पाउडरी चमकीले रंग के पाउडर के फॉर्म में जो है वो फैल जाती है। ठीक है, दिखाई ऐसे देगी, वो चमकीला सा चूर्ण जैसा दिखाई देगा, पाउडर जैसा दिखाई देगा। ठीक, अब बात करें जनन, अगर नर जननांग और मादा जननांग की, है ना, यानी कि जनन में अब हम क्या पढ़ेंगे, लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन मान लो ये कोशिका है और कोशिकी, इसके अंदर ये बन गया, ये ऐसे होस्टोरिया वगैरह बन गए हैं, फिर सॉरी होस्टोरिया तो अंदर बन गए, हॉस्टोरिया तो इधर आएंगे, हॉस्टोरिया मतलब चूसक अंग, ये यहाँ से भोजन ले रहा है, लेकिन ये क्या करेगा, इंटरनल स्पेस में ऐसे दो तरीके की अलग अलग कोशिकाएं बनाता है, ऐसे दो संरचनाएं बनाएगा, और डिटेल में क्लियर। ठीक है, ये कोशिका परपोषिकी हो गई। ठीक है, यानी पौधे की कोशिका जिसके ऊपर इन्फेक्शन फैला हुआ है, ये उसकी कोशिका है। ठीक है, अब इसके अंदर ये यहाँ से माइसीलियम चल रहा था, पहले तो इसने क्या किया, यहाँ पे होस्टोरिया बनाया, तो ये तो हो गए इसके क्या, चूषकांग, होस्टोरिया अंग्रेजी में कहते हैं। ठीक है, अब ये पूरा माइसीलियम चल रहा था, इसमें पट तो कहीं है नहीं है, फाइकोमाइसिटीज का सदस्य है। अब ये यहाँ से कोई कोशिका ऐसे आगे बढ़ी और आगे बढ़ करके इसने ये मुग्धर के आकार का बना दिया, तो ये हो जाएगी नरधानी। और अगर इसने ऐसे फूल करके ऐसे गोल बना दिया या बहुत ही ज्यादा गोल, ये स्थिति आ गई, ये फिर उसकी कोशिकाएं हो गई, किसकी, होस्ट की। तो इस कंडीशन में इसे हम क्या बोलेंगे, अंडधानी। ये हो गई क्या, पुंधानी, और ये हो गई अंडधानी।
ठीक है, क्या होता है धीरे धीरे ये पास पास होती है, हमने तो डिटेल में बनाया ना तो बड़ा बना दिया। जब ये पास पास होती है तो इनके बीच में या इसकी स्थिति कई बार ऐसी भी देखने को मिलती है, इसी को आगे बढ़ाते हैं, ये ऐसे पास पास होती है कई बार। तो ये हो गई नरधानी और ये हो गई मादा अंडधानी। ठीक है, अब समझ आ गया होगा क्लियरली, ये यहाँ कोशिकाएं होस्ट के होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों के बीच में क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा, यानी कॉन्टेक्ट में क्या होगा, गैमेट एंजल कॉन्टेक्ट, यानी इसकी स्थिति ऐसी हो। ठीक है, ये तो, और फिर ये भित्ति गल जाएगी। देखो भाई, जब भी लैंगिक जनन होता है तो उसकी तीन तरीके हैं, ठीक है, पहला तीन स्टेप्स है, सॉरी, है ना। पहला स्टेप क्या है उसमें, पहला स्टेप ये होगा कि केंद्रक, सॉरी, कोशिका द्रव्य का लयन हो जाएगा, ठीक है, दूसरा केंद्रक का युग्मन हो जाएगा, फिर तीसरा आगे जाकर के दोनों केंद्रक जुड़ेंगे, यानी कि सबसे पहले भित्ति का गलना, भित्ति गल गई। जब भित्ति गल जाएगी तो इसके के आपस में जो कोशिका द्रव्य है वो मिक्स हो जाएगा, कोशिका द्रव्य जब मिक्स हो गया फिर उसके बाद क्या होगा, इसका केंद्रक यहाँ ट्रांसफर होगा, क्योंकि ये मादा संरचना है और ये नर संरचना, तो केंद्रक तो नर का ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा आगे, जब गैमेट एंजल कॉन्टेक्ट हो गया, भित्ति का गलन हो गया, कई बार भित्ति डायरेक्टली नहीं गल पाती है, जब नहीं गल पाती तो उस केस में क्या होगा, अगर भित्ति सीधे सीधे नहीं गल पाई, क्योंकि इसमें भी तो ये ऐसे कवरिंग है ना, डबल डबल कोट होती है वो ऐसे, तो अब डबल कोट की कंडीशन में क्या होगा कि ये एंथीडियम जो पुंधानी है वो एक जनन नलिका बनाएगी और आंतरिक झिल्ली बनाती है। भाई देखो, बाहर की भित्ति तो डेड होती है, वो तो कुछ करती नहीं है, आंतरिक झिल्ली है वो बनाएगी। अब इसने यहाँ से बना दिया तो अब इसे क्या बोलेंगे हम, युग्मन नलिका या निषेचन नली। निषेचन नलिका ये क्या हो गई, पुंधानी, और ये क्या हो गई, अंडधानी। ठीक है, ये पूरा यहाँ माइसीलियम है ही। माइसीलियम में कभी भी भूल के भी ना एलबीयू को पढ़ रहे हो तो पट मत बना देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ से केंद्रक जाएगा और अंडधानी के केंद्रक से जुड़ जाएगा। होता क्या है, अंडधानी का जो द्रव्य होता है ना, अंड द्रव्य बोलेंगे उसे, वो काफी कणिकामय होता है, कणिकाएं जब उसके अंदर होती है तो उसे सिनोसेंट्रम कहते हैं, और जब सिनोसेंट्रम के पास ये नलिका पहुंच जाती है तो वो फट जाती है, फटने के बाद नर केंद्रक मादा केंद्रक के साथ जुड़ जाता है। एक बात और, अंडधानी का विकास क्रम जैसे जैसे आगे बढ़ता है ना, तो भीतर की तरफ जो द्रव्य होता है उसे अंड द्रव्य कहते हैं और बाहर की तरफ जो होता है उसे परिद्रव्य कहते हैं। ठीक है, और अंडधानी के अंदर, सॉरी, पुंधानी के अंदर लगभग 6 से 12 केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ लगभग 6 से 12 केंद्रक होते हैं इसके अंदर, एक बात, और यहाँ केंद्रक तो होते हैं, केंद्रक के अलावा क्या होता है, देखो बाहर की तरफ होगा उसमें रिक्तिका होगी, जहाँ रिक्तिका होगी उस रिक्तिका के पास जो द्रव्य होगा वो परिधि की तरफ है, तो परिधि की तरफ जो द्रव्य होता है उसे परिद्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, परिद्रव्य। और यहाँ अंदर अंदर जो केंद्रक है, ये तो मुख्य केंद्रक है, और इस केंद्रक के चारों तरफ जो द्रव्य होगा ये क्या हो गया, अंड केंद्रक, और अंड केंद्रक के चारों तरफ जो द्रव्य होगा उसे अंड द्रव्य कहेंगे। ठीक है, दो भागों में बढ़ जाती है और अंड द्रव्य के पास जाकर के ये निषेचन नलिका फट जाती है। ठीक है, अब आप लोग रिजॉइन कर लीजिए।